राधे। रेस्ट करेंगे उसके बाद फिर उठेंगे फिर परिक्रमा करेंगे फिर आनंद ही आनंद है, बस आनंद ही आनंद है। तो अब तो हम जा रहे हैं हरि बोल। अब ब्लॉग ऐसा ही है जो है। हरे कृष्णा। मुझे नहीं पता कि कितने दिन का ब्लॉग मैं एक ही दिन में डालूंगी, बट ये है कि बाबा के दर्शन करने के बाद हम अभी सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा का भी फल है और फिर बरसाना की भी परिक्रमा का फल है और फिर रात्रि का पूरा जगना, तो इसलिए बहुत थक गए थे तो हम सो गए। अभी बस नहा धो के हम फ्रेश हुए हैं और अब बस तिलक धारण करके फिर से प्रसाद पाने बाबा के यहाँ जाएंगे। जो ओवरनाइट कीर्तन होता है ना वो इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तब हम पतितों पे कृपा नहीं हो पाई, बाबा का स्वास्थ्य सही नहीं था, हमें बहुत अंदर से पीड़ा थी बाबा के दर्शन नहीं होने से, उनके स्वास्थ्य को सही रखें। लेकिन आज इस बार दर्शन दे कुछ कहने को नहीं है, मतलब जो भी चल रहा है हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं ना नहीं बता पाते, ऐसा ही है। आई होप आपने शिव जी के दर्शन किए हो, मंगला आरती में बाबा का कीर्तन अच्छे से सुना हो, आनंद लिया हो, फिर राज जी का जो भी आपने थोड़ा बहुत देखा हो उसका आनंद लिया हो। जो भी है यही है, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ोन निकालने का मन ही नहीं करता और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी मेमोरीज फ़ोन में भर ली जाए, तो ये दो मूड होते हैं और इन दो मूड पे ही हमें लगता है हमारा जीवन है। देखो अभी जा रहे हैं प्रसाद पाने, बस तिलक धारण कर रहे हैं मैं और सौम्या, उसके बाद फिर देखेंगे। कुछ नहीं पता, सारा यू नो सब कुछ श्री जी देख रही है, अपना कोई बल नहीं है, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, केवल श्री जी, तो श्री जी के बल पे हैं हम यहाँ पे और आनंद है। हरि बोल। कल एकादशी थी, आज द्वादशी है और गौड़िया संप्रदाय के हिसाब से कल 9 तारीख को मतलब महाशिवरात्रि है। वैसे महाशिवरात्रि 8 को भी है, आपके ऊपर है, अगर आपने शास्त्री एकादशी कर ली है तो 8 को पारण करके आप 9 को फास्ट रख लीजिए, और अगर आपने 6 की एकादशी कर ली है तो 8 को फास्ट कर लीजिए। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, भगवान को रिझाना, तो आप कल करो आज करो, इतना कन्फ्यूजन है ना इस चीज़ में। आप अपनी गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग चलो, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनके दिखाए रस्तों पर मैं चलता हूँ, वो क्या करते हैं, उन्होंने जो कहा वही कर दिया, बस बहुत सिंपल है। बस लोगों से पूछ पूछ के कन्फ्यूज़ हो कि आप अपना ही दिमाग ख़राब करते हैं। तो अभी पहले आगे एक ब्लॉगर मिलते हैं, हरि बोल। कभी ऐसे संतों के दर्शन करें जो किसी से बात नहीं करना चाहते हों, मतलब केवल अपनी श्री जी के नाम में व्यस्त हों। बाबा के यहाँ प्रसाद पाकर हम ऐसे ही संतों की खोज में निकले हुए हैं, मतलब ब्रिज में ऐसे ऐसे संत हैं ना, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि मतलब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सीधे चल नहीं पा रहे हैं, मतलब पैरों में जान नहीं है, फिर भी गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहे हैं। हरि बोल। हरि बोल। प्रसाद हाथ में आराम से आना। और हाँ, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी बाबा कौन है कहाँ रहते हैं, बस जिस दिन मन में श्री जी से प्रार्थना करोगे ना कि श्री जी
आप हमें दर्शन दो। तो श्री जी साक्षात संत संत रूप में दर्शन देंगे आपको आज। ला 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 ला, ये कुछ ज्यादा नहीं, वो नहीं है शाहरुख खान की फिल्म का, कौन सा है वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसमें। ये हमारा बरसाना का प्यार है। तो हम इतने ज्यादा पति थे, हम क्या ही करें। तो अब हम जा रहे हैं वापस बाबा के पास, परिक्रमा करेंगे, फिर बाबा के यहाँ प्रसादी पाएंगे और फिर उसके बाद हरि बोल। मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहिएगा। जय श्री राधे। मुझे लग रहा है मैं आपको सेम दर्शन रिपीट में ही करा रही हूँ। पीछे से सब मैं हंसती हुई उसी हालत में उन्हीं कपड़ों में। अब हमारे भैया भी जुड़ गए हमारे साथ। अब ऐसा था, पहले मैं अकेली आई थी, फिर सौम्या को दिखा कि मैं अकेली हूँ तो वो भी आ गई, नहीं 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 मैं भी जाऊँगा। अब हमारे ये हम बिना काउंट के यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं श्री जी की। ऐसा हो गया है कि सुबह उठो मंगला में उठो, परिक्रमा दर्शन करके श्री जी की आरती लेकर श्री जी का निहार कर फिर सो जाओ, फिर संतों के नहीं नहीं फिर संतों के दर्शन, प्रसादी, फिर परिक्रमा, फिर रेस्ट करो थोड़ा सा, फिर संतों के दर्शन, बाबा के दर्शन करे, फिर परिक्रमा। मजे ही मजे, यही लाइफ है, यही मजे हैं कि परिक्रमा ही करते रहो। मतलब ऐसा है कि हाँ राधा कुंड जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अभी देखो ना, हमारा है तो ह्यूमन बॉडी, तो जैसे ही दर्द थोड़ा शांत हो रहा है, मतलब नीचे बैठ रहा है, हम दोबारा परिक्रमा देखो उसको बढ़ा दे रहे हैं। मतलब ऐसे कि ना दर्द रुकना नहीं चाहिए, बढ़ता रहे। तो हम साखरी खोर आने वाले हैं श्री जी की। पता नहीं आज इस बार हमें क्या ही हो गया है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ समझा नहीं सकती, क्योंकि हमें भी नहीं पता हमारे साथ क्या चल रहा है। ये ब्लॉग जो है ये ना मेरा बनाने का मन कर रहा है, ना अपलोड करने का भी मन कर रहा है, बट एटलीस्ट आप लोग ये देखो कि यहाँ की जो लताएं पताएं, क्या बोलूँ श्री जी का महिमा का गुणगान करने की मेरे में औकात नहीं है, उनके धाम की भी मैं बखान कर सकूँ इतना भी सामर्थ्य नहीं है। बस यही है जो श्री जी करवा दें। तो ये भी ब्लॉग है आधा अधूरा सा, बन जाएगा, अपलोड हो जाएगा। श्री जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर परिक्रमा करेंगे, फिर बाबा के यहाँ बैठेंगे, फिर परिक्रमा करेंगे। फिर परिक्रमा कर करके हम बौखला जाएंगे और पागल हो जाएंगे। हम चाहते हैं हम बर्रा जाएं। तो यही है, अगर मन में पीड़ा उठे ना श्री जी को देखने की मिलने की, भाई आ जाओ, सोचो मत क्या होगा कैसे होगा। मैं कह रही हूँ साक्षात श्री जी हैं यहाँ पे बैठी हैं वो, भाई वो देखेंगी ना, तुम आओ तो। मैं यहाँ पर हूँ, सौम्या यहाँ पे है, सब व्यवस्था अपने आप जैसे तैसे कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। तो उस व्यवस्था पे, किशोरी जी की कृपा पे भरोसा रखो, और जैसे ही मन हो ना आओ देखो ना ताओ देखो, बस सीधा श्री जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाओ और बस प्रेम से गुनगाते रहो जय जय श्री राधे 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 श्याम, और कहते रहो श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम प्यारी, दो चकोर दो चंदा श्री राधा रमण बिहारी, श्याम मेरो चंदा चकोरी श्याम प्यारी, दो चकोर दो चंदा श्री राधा रमण बिहारी। जय हो बरसाने वाली की जय, जय जय श्री राधे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग क्या चल रहा है। अभी तो मैं राधा कुंड में थी, अभी मैं यहाँ गई, हम दिन में भी गए थे आज। तो जैसे मन में मेरे उठे मन में पीड़ कि मैं बरसाने में परिक्रमा लगाऊंगी श्री जी को, मंदिर में बैठ के केवल देखना नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारी श्री जी केवल वहाँ बैठी हुए? अरे नहीं, श्री जी तो संतों की कुटिया में है भाई, श्री जी तो बस देते रहो। चलो साकरी को आ गए, अरे बोल।
मुकुट सरकार के दर्शन। जय जय श्री राधे। हरि बोल। रात के 3 बज रहे हैं और हमारी आई डोंट नो कौन से नंबर की परिक्रमा अभी हमने पूरी करी है, तो आप सभी को आप सभी भी प्रणाम करेंगे। और सॉरी मैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखा नहीं पा रही, जो भी है ऐसा ही है। कभी एकांत में भी भजन करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत ब्लॉग मैंने बनाया है उसका आनंद लीजिए। अब 3 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अब तैयार होकर मतलब 1 घंटा रेस्ट करके तैयार होकर फिर श्री जी की मंगला परिक्रमा, बाबा के दर्शन और हरि बोल। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कंटिन्यूड ब्लॉग में। पता नहीं ब्लॉग किस नाम का है, क्या है, हमें भी नहीं पता। तो हम बाबा के यहाँ पे हैं सुबह सुबह और खूब आनंद ही आनंद है सौम्य। और आनंद है इधर देख के बता। आनंद खूब। अभी हमारा अभी हम थोड़ा गूस पंप्स में है, तो मैं बताऊंगी नहीं। बाबा जो मतलब बाबा का जहाँ स्थान है ना, भजन कुटिया जहाँ, इतना मतलब सुंदर है ना। बहुत गुप्त है नीचे जाके भजन स्थली, अंदर जाके है। बाहर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा ग्राउंड, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जो होता है ना गुप्त चीज़, वो थोड़ा अंदर जाके है। तो खूब आनंद है। हम सुबह सुबह ही आ गए अब आज तो यहाँ पे। खूब परिक्रमा दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, खूब दर्शन पा रहे हैं, खूब कृपा ले रहे हैं। हरि बोल। आप सब पे भी कृपा बनी रहे। जो जो वीडियो देख रहा है आप भी मानसिक रूप से यहीं पर हैं श्री बरसाना धाम में। जितने दिन मैं यहाँ रही हूँ कृपा देखी है, महसूस की है, उतना ही दिन आप भी हो, मानसिक रूप से आप भी हमारे साथ ही हो। आप इतना सुंदर है अभी का व्यू, मैं क्या ही बताऊँ। देखो ये हमारे बाबा की भजन कुटिया है। देखो हरि बोल। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, बने रहिएगा। और वैसे भी आज शायद हमारा आखिरी दिन है। हम वापस माया नगरी में अपने घर को जाएंगे। वैसे तो असली घर यही है, बट इतने पवित्र भी नहीं है ना कि यहीं पे बस जाएं, यहीं पे रह लें। तो शायद आज वापस जाएं, देखते हैं। जाएंगे तो आपको बता देंगे और एक दो दिन बाद ब्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। हरि बोल। जय जय श्री राधे। अपनी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। आई गई यार। राधे राधे बोल दो इस बात पे। राधे राधे। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप श्री जी की खूब कृपा बरसे, खूब नाम हो, खूब नाम जप चले। आप भी अपनी कृपा बनाए रखिए। बाहर बैठे हैं, मानसिक प्रणाम अवश्य करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। राधे राधे।